हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक अगेन दिस इज़ ललिता फदाले योर वैल्यू टीचर टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू लेसन थ्री फ्रॉम योर वैल्यूज़ बुक दैट इज़ विंग्स ऑफ लाइफ ओके सो दिस लेसन इज़ ऑन पेज नंबर इलेवन ओके सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस लेसन फन विथ फ्रेंड्स तो फन मीन्स क्या होता है मज़े करना किसके साथ फ्रेंड्स के साथ अपने दोस्तों के साथ ओके सो रिलेटेड टू फ्रेंड्स सो फ्रेंड्स से रिलेटेड ये स्टोरी है दैट वी आर गोइंग टू रीड नाउ ओके दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ ओके सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू आस्क यू वन क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे पूछा है देखो वो आर योर फ्रेंड्स इन क्लास क्लास में आपका फ्रेंड कौन है है ना कौन कौन फ्रेंड है बहुत सारे फ्रेंड होते हैं एंड आप एक दूसरे को हेल्प भी करते हो है ना यू हेल्प ईच अदर ओके एक दूसरे को हेल्प भी करते हो फ्रेंड्स को है ना तो फ्रेंड क्या होता है फ्रेंड्स ऐसे लोग होते हैं कैसे दोस्त होते हैं फ्रेंड्स जो क्या करते हैं हम एक दूसरे का हैप्पीनेस शेयर करते हैं वी शेयर आर हैप्पीनेस एंड सैडनेस है ना जब भी कोई खुशी की बात होती है तब तुरंत हम अपने फ्रेंड को शेयर करते हैं या फिर किसी ने कुछ आ, कहा हम लोग को बहुत बुरा लगा तो वो भी हम मतलब सैडनेस की बातें भी हम शेयर करते हैं राइट सो वी शेयर आर हैप्पीनेस एंड सैडनेस है ना और एक दूसरे को ज़रूरत के टाइम पे हम हेल्प भी करते हैं राइट दे हेल्प अस वेन एवर वी नीड देम उनको भी ज़रूरत होती है तभी भी हम उनको हेल्प करते हैं हमें ज़रूरत होती है तो वो टाइम पे भी वो हमें हेल्प करते हैं सो हियर इज द स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स कितने फ्रेंड्स की स्टोरी हम लोग सुनने जा रहे हैं अभी टू फ्रेंड्स की स्टोरी है अभी ये टू फ्रेंड्स कौन है लेट्स सी सी पिक्चर्स में आप देख पा रहे हैं पिक्चर में आप देख पा रहे हैं क्या देख पा रहे हैं क्या क्या है पिक्चर में देखो पिक्चर में क्या क्या है सी ये कौन है ये कौन है एक बर्ड है है ना सो so, बहुत पहले की बात है वंस अपॉन अ टाइम अ बर्ड वॉज सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ ट्री ये जो ट्री है ट्री के शायद यहाँ पे बैठा होगा ये जो बर्ड है वो यहाँ पे बैठा होगा शायद है ना अ बर्ड वॉज सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ ट्री नियर अ रिवर ये रिवर है ये जो पानी की रिवर है ना है ना ये रिवर है वहाँ पर वो ट्रेज ट्रीज़ का जो ब्रांच है उसके ऊपर रहता था ये बर्ड ओके दर्ड सॉ एन एंट ट्राइंग टू क्रॉस द रिवर उसने देखा कि एक जो एंट है वो क्या कर रही है रिवर क्रॉस करने की कोशिश कर रही है मतलब यहाँ से उस साइड पर जाने की कोशिश कर रही है एंड द बर्ड वॉन्टेड टू हेल्प बर्ड को क्या लग रहा था कि मैं उसको हेल्प करूँ क्योंकि वो ट्राई कर रही थी उसको नहीं आ रहा था रिवर क्रॉस करने यहाँ से वहाँ पे जाने में उसको नहीं आ रहा था तो बर्ड को लग रहा था कि मैं उसको हेल्प करूँ तो बर्ड ने क्या किया बर्ड ने क्या किया ही पिक्ड अ लीफ फ्रॉम द ट्री ये जो ट्री नज़र आ रहा है ये ट्री के ऐसे उसने क्या किया एक पत्ता जो लीफ होता है वो लिया और वो कहाँ पे फेंका ड्रॉप्ड इट नियर द एंट एंट के बाजू में उसने डाल दिया ताकि वो एंट उसकी हेल्प लेके रिवर को क्रॉस कर सके ये एंट ने देखा कि ये बर्ड मुझे हेल्प कर रहा है तो एंट ने क्या बोला थैंक यू बर्ड है ना थैंक यू भी बोलेंगी ना उसने हेल्प की उसकी तो आई विल नेवर फॉरगेट गेट योर हेल्प मैं आपकी हेल्प कभी भी भूलूंगी नहीं है ना ऐसे किसने कहा ये एंट ने देखो ये बर्ड ने जो ये लीव दिया है फिर उसके ऊपर वो आके उसके ऊपर वो चढ़ के वो आराम से रिवर क्रॉस कर सकती है तो कितना बड़ा हेल्प किया वो बर्ड ने एंट को है ना है कि नहीं हेल्प किया कि नहीं उस बर्ड ने एंट को ओके okay? नाउ एक दिन क्या हुआ कुछ दिन गए अ फ्यू डेज लेटर द एंट सॉ हंटर कुछ दिन गए और एंट वहीं पे रहती थी ट्री के नीचे वहीं पे ट्री के नीचे ही रहती थी एंट ओके okay? तो उसने क्या देखा एंट ने क्या देखा वहाँ पे एक हंटर आया है हंटर देखो ये हंटर है ना ये हंटर है ने देखा कि कौन आया है एक कौन आया है वहाँ पे एक हंटर आया है हंटर मीन्स वट शिकारी कौन आया वहाँ पे शिकारी ही वॉज एमिंग एट एन एरो एट दिस बर्ड सीटिंग ऑन द ट्री वो क्या कर रहा था जो ट्री के ऊपर यहाँ पे जो देखो यहाँ पे जो बर्ड बैठा है ना यहाँ पे जो बर्ड बैठा है उसके ऊपर एम कर रहा था दैट मीन्स उस एरो से उसको मारना था उस बर्ड को कौन मारने वाला था वो हंटर और वो किसने देखा एंट ने देखा तुरंत एंट को क्या लगा द एंट रिमेम्बर द बर्ड्स हेल्प तुरंत एंट ने क्या याद किया कि ये जो बर्ड ने मुझे हेल्प की थी ना पर इसी बर्ड को वो हंटर मार रहा है तो मुझे तो कुछ तो हेल्प करनी पड़ेगी ना उसने भी मुझे हेल्प की तो मुझे भी हेल्प करनी पड़ेगी इसको सो so, ये एंट ने क्या किया इट वेंट टुअर्ड्स द हंटर एंड हिज टो आंट ने क्या किया हंटर के पास चली गई और उसके टो है दैट मीन्स जो पैर के जो फिंगर होते हैं उसको बिट किया काटा देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे है ना दिखाई दे रही है आपको आंट तो उसने तुरंत उसको हंटर को काटा तो हंटर को जैसे ही काटा तो क्या हुआ हंटर ने जिस साइड पे बिल्कुल बर्ड की तरफ एरो लगाया था मारने के लिए वो उसका निशाना छूट गया क्योंकि नीचे एंट ने काटा है ना नीचे एंट ने काटा तो उसका एरो हिल गया है ना द बर्ड सॉ वॉट दैट बर्ड है भी देखा एंट ने किस तरह से हेल्प की उसकी जान बचाई ना बर्ड की जान बचाई ना है ना एंट ने बर्ड की जान बचाई तो वो तो वो किसने देखा वो बर्ड ने देखा फिर बर्ड ने भी उसको क्या बोला थैंक यू माय फ्रेंड है ना इस तरह से वो फ्रेंड बन गए कितने अच्छे फ्रेंड बन गए ऐसे होते गुड फ्रेंड्स है ना ऐसे होते गुड फ्रेंड्स जो एक दूसरे को क्या करते हेल्प करते हैं एक दूसरे के ऊपर दोनों को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट भी होता है है ना जैसे कि अगर आप मेरी हेल्प कर रहे हो तो मैं भी आपकी हेल्प करूँ है ना ओके सो गुड हैंड गुड गुड फ्रेंड्स सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स एक दूसरे का प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते हैं दे डू नॉट हर्ट ईच अदर वो एक दूसरे को कभी दुखाते नहीं हैं है ना एक दूसरे के लिए बिल्कुल कोई बुरी बात नहीं करते हैं दे लव एंड केयर है ना एक दूसरे का एक दूसरे को प्यार करते हैं फ्रेंड रहता हैं ना वो अच्छे से प्यार करते हैं, जैसे आप अपनी मम्मी से प्यार करते हो आपके पापा से प्यार करते हो है ना और एक दूसरे का ध्यान भी रखते हैं तो आपको पता चला स्टोरी में से आपने क्या सीखा अभी क्या सीखा गुड फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर है ना एक दूसरे को हेल्प करते हैं गुड फ्रेंड्स इवन गुड फ्रेंड्स लव वन एन अदर एक दूसरे को प्यार भी करते इसलिए तो हेल्प करते हैं क्योंकि वो दोनों अच्छे होते हैं फ्रेंड्स है ना जो अच्छे फ्रेंड्स होते हैं वही करते हैं ये है ना कभी कभी क्या होता है कोई अचानक से अपने स्कूल में नया कोई फ्रेंड आया नया दोस्त आया कोई नया स्टूडेंट आया ज्वाइन किया उसने स्कूल में ओके तो उसको बहुत लोनलीनेस महसूस होता है ना वो बहुत अकेला होता है है ना बहुत अकेला होता है तो ऐसे टाइम पे हम लोग को उसके साथ कैसे रहना चाहिए विथ फ्रेंडली एटीट्यूड फ्रेंडली एटीट्यूड मीन्स बहुत फ्रेंडली रहना है फ्रेंड की तरह तो फिर उसको अकेला नहीं लगेगा अगर आप उसके साथ फ्रेंडली रहोगे तो क्या होगा योर फ्रेंडली एटीट्यूड विल मेक द न्यू स्टूडेंट्स हैप्पी आप उसको हैप्पी बना दोगे ओके okay? सो so, इसी तरह से आपको भी एक अच्छे फ्रेंड की तरह रहना है वॉट इट एवरीबडी आपको कैसे रहना है एक दूसरे के साथ अच्छे फ्रेंड की तरह रहना